पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने मंच पे बैठे हैं और ये धरना है केंद्रीय सरकार की द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो बंद किया गया है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए कि है कि कोलकाता की रेड रोड पे एक धरने की आयोजन किया है। हम दिखाएंगे सामने की जो मंच है उस पर ममता बनर्जी बैठे हुए हैं। उनके साथ भी तृणमूल कांग्रेस के और पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत सारे मंत्रियां हैं जो कि इस धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त एक अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली है इस जो धरना मंच है उसके बाहर, क्योंकि एक व्यक्ति आए हैं जो कि अपने साइकिल पे हनुमान से लेकर राम मंदिर की जो छवि है वो छवि लगा के आए हैं, और साथ में ममता बनर्जी जिनको राम मंदिर तक उन्होंने नहीं गए, तो इसी बात पे इस वक्त उनका वार्ता है कि सबका साथ चलना पड़ेगा और सब धर्म को एक साथ मिल के रहना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं पहले बताइए, और ये बताइए कि कोलकाता में ममता बनर्जी की धरना चल रहे हैं और आप ममता बनर्जी ने उतना सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने गए भी नहीं थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए, तो इस वक्त आप राम मंदिर की जो छवि है वो लगा के आ रहे हैं और साथ में ममता बनर्जी के धरने पे, आपका वार्ता क्या है? मेरा वार्ता यही है जिनको पैसा नहीं मरने का पे उसको पैसा दे जाए। भगवान सभी का है, मेरा अकेले का नहीं है, न पर हिंदुस्तान का, वो विश्व को कहते हैं। अब खाली हिंदुस्तान में क्या, पूरे देश में जो है राम मंदिर प्रस्थान पर सबको बनाया गया है। मैं पार्टी पर कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सभी जनरल साहब होने से सभी यही कहूँगा कि भगवान के स्थान पर जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, वहाँ पर कोई वो वाली बात नहीं है कि जो आपको कुछ ऑब्जेक्शन उठाया जाए। पर किंतु हम वहाँ गए तो विश्व सेना वो महाराष्ट्र के और भी कार्यकर्ता वहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने इंटर नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? बोले जब तक तो परेशान नहीं होगा, जब किसी को जाना बाध्य है, तो वहाँ से मैं रिटर्न चला आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज ममता बनर्जी धरने में बैठे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो 100 दिन की जो मजदूरी करते हैं जो लोग, उनकी पैसा नहीं दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपका वार्ता क्या रहेगा? और ये जो आप एक यूनिक जो है सज धज के आए हैं, ममता बनर्जी की जो आप ग्रीटिंग्स कार्ड भी दिखने को मिल रहा है आपकी उस पर लगा हुआ है, तो आपका वार्ता क्या रहेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि नई जनरेशन अपने मोबाइल में व्यस्त रहती है, नया लुक देने के लिए, नया सेटिंग करने के लिए सब डेकोरेट किया गया। वैसे इस पर लाइट भी सेफ्टी की है मैंने, तो सभी धर्म सभी जाति सभी भाई बंधु आपस में रहें और सभी जनरल संसार हो या पॉलिटिक्स में भी हो, कोई भी हो, यानी भगवान के हिसाब से या मनुष्यों के हिसाब से सभी को बराबर जाने का अधिकार है। ममता जी आप यहाँ पर बैठी हुई है, 100 दिन के रोजगार के पैसे नहीं देने, दिल्ली गई थी, अभी यहाँ बैठी है, फिर भी जाने के विचार कर रही है, तो मैं ये कहूँगा जिसको बकाया है उसको देना चाहिए। और एक बात बताइए कि आप राम मंदिर की छवि लेके घूम रहे हैं और तो आप ममता बनर्जी को कहेंगे अगर आपसे मिले तो वो कहेंगे कि राम मंदिर दर्शन करके आइए? मैं जरूर कहूँगा, मैं कालीघाट जा सकता हूँ तो राम मंदिर जाने क्यों नहीं, तो कहूँगा आप भी जाइए वहाँ, तो देव सभी के हैं, मैं ये पहले आपको कह चुका हूँ, वो न आपके न मेरे हैं, न लीडरों के, सब देव के भगवान के, इंसान भगवान जब कन्वर्सन होता है तो सब में सब समान हो जाते हैं, वहाँ पर कोई द्वेष नहीं है। लेकिन सब तो सभी के लिए सब समान है, गरीब भी जा सकता है, पैसे वाला जा सकता है, रोड सब सड़क पर कोई एनी पर्सन जाए, वहाँ पर दरबार खुला है। लेकिन सब तो कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर बनाकर, वो राजनीति एक अपने हिसाब से पहले उठाया हुआ है, अब अपने अपने सोच अपने समझ की बात है। अब मैं तो किसी राजनीति जानता हूँ उन्होंने, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है ममता जी मैं सुना हुआ है, उस हिसाब से सबको जो है गाइडेंस कर रहा हूँ कि सब आप जाइए प्रेम जाइए, वहाँ पर कोई आपको द्वेष नहीं है, वहाँ पर कोई वो आपको, थैंक यू सो वेरी मच। तो देखने को मिल रहा है कि इस वक्त स्वामी विवेकानंद की जो चित्र जो छवि है वो लगा के आए हैं, वो साथ में हनुमानगढ़ी और जो राम मंदिर की जो भव्य जो छवि है वो लगा के आए हैं, क्योंकि अब जो है ममता बनर्जी की धरना जो चल रही है रेड रोड पे, और इस वक्त रेड रोड की बाहर जो है कि थोड़ी सी जो ये है कि दूसरी चित्र देखने को मिल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए थे और अब जो है ये व्यक्ति आए हैं और उनका कहना यही है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन सर्व धर्म एक साथ रहना चाहिए। कैमरा में अर्गो घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, आज तक कोलकाता।